सकते यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। हो? ओके okay. चलिए, तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट सेकंड पेपर फंडामेंटल ऑफ योगा. इसका जैसे नाम ही है, योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय. योग के आधारभूत तत्व में हमें जो चर्चा करनी है वो योग का इतिहास, विकास, अर्थ परिभाषा. अर्थ परिभाषा सो में भी क्वेश्चन आ रहा है, पिछले एक दो बार आया है. भ्रामक अवधारणाएं, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य, वेदों में, उपनिषदों में एवं प्रस्थानतरी का परिचय. वेदों और उपनिषदों में योग का परिचय देना है. प्रस्थानतरी क्या है, जिसके विषय में चर्चा करनी है. पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा को बताना है. और जो मुख्य विषय है, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं इस यूनिट से, वो है षट दर्शन, छह दर्शन. इनकी जो चर्चा करना है वो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा. साथ ही इनके नाम भी दिए, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत. इनके संदर्भ में इनकी चर्चा करनी है. और हम आगे चर्चा करेंगे महाकाव्य में, महाकाव्य में स्मृतियों का परिचय, रामायण. रामायण में सात कांड है, उसमें से जो एक है अरण्य कांड, उसमें योग का कहाँ कहाँ पर वर्णन आएगा उसको देखेंगे. महाभारत में 18 पर्व है, उनमें से जो शांति पर्व है उसकी चर्चा करनी है. और याज्ञवल्क्य की स्मृति, साथ ही साथ महर्षि पतंजलि एवं गोरक्षनाथ की योग योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय और उनका जो योगिक योग में योगदान है वो बताना है. मुक्ति सूत्र में योग, यहाँ तक अपने यहाँ तक सिलेबस को मुझे कवर करना है. और ये सत साहित्य में योग कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी, ये कोई और टीचर करवाएगा. तो नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, 84 उसमें सूत्र है. उन 84 सूत्रों में से पिछले कई बार से क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है. और जो षट दर्शन है, षट दर्शन में से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं. एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो षट दर्शन में ही से ही 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, है ना. और जो योगियों का परिचय है वो इनका सही मिलान के रूप में आ जाता है, इनकी तिथि से भी और उससे भी. और आगे इसमें जो कुछ और है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग का परिचय पढ़ना है. और जैन तथा बौद्ध मत में योग का क्या महत्व है, क्या उसके तत्व है योग के, वो हमको पढ़ना है. और बाकी ये जो बीच का सिलेबस बचा हुआ है, ये जो महर्षि है, ऋषि है, उनका परिचय जो है कोई और टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, योग का इतिहास, विकास, अर्थ एवं परिभाषा और भ्रामक अवधारणा. हम पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको PYQ भी दिखाएंगे, है ना. पहले योग की अर्थ परिभाषा कर लेंगे, उसके बाद PYQ दिखाएंगे. अभी मेरी PPT आपको पूरी तरह से शो हो रही है, आवाज आ रही है? यस सर. आप मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख सकता आप, है ना. तो बीच बीच में कंफर्म करते रहिएगा. तो हम चर्चा करने जा रहे हैं योग, व्याकरण के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई. मुझे पता है आप सबने कहीं ना कहीं योग की परिभाषा पढ़ी होगी, योग का अर्थ पढ़ा होगा, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक रूप से होता है, टू द पॉइंट होता है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा रेफरेंस वाइज. इसमें कुछ कुछ रेफरेंस है, रेफरेंस से ही क्वेश्चन एक दो बार आया है, पिछली बार आया है, वो मैं आपको बताऊं. तो योग संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना. किससे किसका जुड़ना, कर्ता का कर्म से जुड़ना ही योग है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है, आपका अपने आप से जुड़ना योग है ना, आपकी श्वास प्रश्वास का अपने से जुड़ना योग है. तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का योग है. तो ये क्या है, संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, है ना. तो ये हुआ इसका अर्थ.
महर्षि पाणिनि ने योग योग शब्द की व्युत्पत्ति के या योज धातु के तीन अर्थ यहाँ पर बताए हुए हैं। क्या है? ये जो योग है, ये जो संयमन है और योज समाधो। तो ये क्या है? ये महर्षि पाणिनि ने योज धातु के तीन अर्थ यहाँ पर बताए हुए हैं। तो युजर योगे क्या है? युजर योगे का मतलब क्या है? युजर योगे मतलब वही जो आपने ऊपर सुना कि युजर योगे एक अर्थ है इसका युज धातु का, जिसका मतलब होता है जोड़ना। युज संयमन है, युज संयम, संयम आपने शब्द सुना होगा, युज संयमन है। संयमन मतलब कि संयम करना। किस पर संयम करना? अपने भावों पर, विचारों पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भी भाव है, विचार है, क्रिया है, उस सब पर संयम बरतना है ना, इंद्रियों पर संयम बरतना। ये क्या है? युज संयमन है। संयम मतलब एक प्रकार से तपस्या, तपस्या से लिया गया। तो युज संयमन है और युज समाधो। समाधो क्या है? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आधी, आधी होती है मानसिक उथल पुथल। तो क्या है कि सम प्लस आधी, जो आधियां है, जो मानसिक उथल पुथल है, वो बराबर हो जाए, सम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? योग समाधो कहते हैं। महर्षि व्यास ने भी व्यासवास में योगा समाधि कहकर योग का अर्थ समाधि ही किया है ना। तो आपने युज धातु का अर्थ देखा जुड़ना, और महर्षि पाणिनि के अनुसार युज धातु के तीन अर्थ यहाँ पर आपने देखे। ठीक, ये बात समझ में आई? यस सर। आगे आता है योग शब्द की, योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वो तो पढ़ लिया। अब ये योग का एक प्रकार से योग है क्या, है ना, वो पढ़ते हैं। तो इच्छते युच्यते एतत् यति योगा। योगा, योग क्या है? योग वह है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। ये क्या शब्द बता रहा है? ये सेंटेंस क्या बता रहा है? उद्देश्य बता रहा है। योग से क्या आएगा? चित्त की जो वृत्तियां हैं उसमें एकाग्रता आ जाएगी, वो एकाग्र हो जाएगी, चित्त की वृत्तियां, है ना। तो एकाग्र आ जाने पर क्या होगा? उनमें जो भी विषय है उनका कोई, जो बाहरिक विषय है उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकाग्र रहेंगी। तो एकाग्र रहना योग का क्या है? ये उद्देश्य है ना, चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाना या एकाग्रता आ रही है, तो वो क्या है? ये योग का उद्देश्य के रूप में अर्थ है। दूसरा अर्थ में क्या है? इच्छते अनेन यति योगा। योग वह है जिससे चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। पहले तो ये उद्देश्य बता दिया, अब साधन के अर्थ में योग शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया है क्या, कि चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। जैसे हमें हरिद्वार से दिल्ली जाना है, तो हम हरिद्वार से दिल्ली किससे जाएंगे? बस से जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाना, लेकिन किससे आ रही है, है ना, तो वो योग से आ रही। तो ये एक प्रकार का साधन है, योग वह है जिससे चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है ना। ऊपर आपने उद्देश्य देखा कि चित्त की जो वृत्तियां है उसमें एकाग्रता आ जाती है। कैसे आती है? योग के माध्यम से ही आती है, चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। तो ये जो अर्थ है ये साधन के अर्थ में है, ऊपर जो आपने अर्थ देखा वो उद्देश्य के अर्थ में देखा। नीचे आप देखेंगे इज्जते तस्मिन यति योगा, मतलब योग शब्द का अर्थ वह स्थान है जहाँ चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है या एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। ये स्थानार्थ के अर्थ में योग का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तीनों अर्थ आपको समझ में आए? एक तो उद्देश्य चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता आ जाना, और जिसके द्वारा लाई जा रही वो भी योग ही है, और जिसके द्वारा की जाएगी चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाएगी, तो वो भी योगी है। तो योग का मतलब तीन यहाँ पर मतलब हुए कि जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाए, एकाग्रता उत्पन्न हो जाए, और एकाग्रता समस्त वृत्तियां जो है वो एकाग्र हो जाए। तो तीनों अर्थ है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इससे कि एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ आ जाए और पूछ लिया जाए कि यह योग का अर्थ किसके रूप में बताया गया है, उद्देश्य के रूप में, साधन के रूप में, स्थान के रूप में, किसके रूप में, तो आपको वो पता होना चाहिए। समझ में आया? जी सर। हेलो जी।
अभी हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं योग की परिभाषा। ये परिभाषा आपको पूरी पूरी याद होना चाहिए और इनका जो रेफरेंस है वो याद हो जाना चाहिए। क्या है मतलब योग की परिभाषा? पहली परिभाषा जो बहुत प्रचलित है वो क्या है, योग है चित्त वृत्ति निरोधा। ये चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आपने पढ़ना होगा कि जो चित्त है उसकी वृत्तियां हैं। वृत्तियां कितनी? वृत्तियां पंचताया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां पांच प्रकार की हैं और वो दो भेद वाली है। एक क्लिष्ट यानी जो पीड़ा देने वाली है, दुख देने वाली है, और ये क्या है, अक्लिष्ट। वृत्तियों का निरोध हो जाना, निरोध मतलब कि अब वो उत्पन्न ही ना हो चित्त में, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, योग कहलाएगी। चित्त में जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाना, यानी उन पर कुछ भी विषय आ जाए सामने, वो उदासीन रहे, उनके चित्त में किसी भी प्रकार की उत्कंठा ना उठे, तो वो रुक जाए, चित्त की वृत्तियां आने से रुक जाए, तो वो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। किसने बताया? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 1/ समाधि पाद के दूसरे श्लोक में क्या बताया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। समझ में आई परिभाषा? यस सर। हाँ, बोलते रहिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगा। सांख्य दर्शन में जो बताया है योग की परिभाषा, पुरुष प्रकृति और वियोगो वियोगो भी योग यत् विधीयते, मतलब पुरुष एवं प्रकृति का वियोग होना ही योग है। अगर ये जुड़ गए तो फिर संसार है, पुरुष और प्रकृति जुड़ गए तो क्या है, संसार है। लेकिन यहाँ पर योग क्या है कि पुरुष अलग हो जाए, प्रकृति अलग हो जाए, तो इन इन दोनों का जो वियोग है वो क्या है, योग है। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, पुरुष और प्रकृति क्या है। इसमें आगे आप पढ़ेंगे प्रकृति विकृति, ना प्रकृति ना विकृति, तो वो आगे जब इसकी उत्पत्ति देखेंगे पुरुष प्रकृति की, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या बताई है, पुरुष और प्रकृति का अलग होना, पुरुष प्रकृति का वियोग होना ही योग है। विष्णु पुराण में एक परिभाषा बताई है, योगा संयोग, योगा संयोग युक्ता जीवात्मा परमात्मा ने, मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है, योग है। अभी परिभाषा लिखी आ जाए, आपने कई बार सुनी होगी, कई बार आपने बोली होगी, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो कहा है, विष्णु पुराण, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ठीक, आगे और परिभाषा आती है, ये बहुत प्रचलित है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सिद्धि सत्व समत्व समत्व योग उच्चते, क्या योगस्था करो कर्माणि संगम तो का धनंजय, सिद्ध सिद्धो समत्व समत्व योग उच्चते। जो समत्व की अवस्था है ना, समत्व में रहने की जो स्थिति है वो क्या है, सिद्धि और असिद्धि को त्याग कर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धि और असिद्धि को त्याग कर हे अर्जुन तो समत्व में स्थित हो जा, और ये जो समत्व में स्थित होने की युक्ति है यही क्या है, योग है ना। ना तो सुख में ज्यादा सुखी हो और ना दुख में ज्यादा दुखी हो, तो जो एक अपनी स्थिति है उसको बना ले, समत्व की स्थिति बना ले, तो वही क्या है, योग है। ठीक है, आगे जो परिभाषा आती है ये 2/48 में बताई है, और आगे जो परिभाषा है वो योगा कर्मशु कौशलम, ये आपने पढ़ी होगी, तो ये भी 2/50 का है। उसमें क्या बताया है कि बुद्धि उक्त जाती है उभ सुकृत दुष्कृत तस्माद हो गए योजस्वा योग कर्मसु कौशलम। संबुद्धि युक्त जो है पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। कैसे? बुद्धि युक्त जाती है मतलब बुद्धि युक्त मनुष्य पाप और पुण्य सुकृत और दुष्कृत, सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप, तस्माद हो गए योजस्वा दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है, ऐसा ही कहते हैं। तो समत्व रूप में योग में लग जा, क्योंकि कर्म बंधनों से छूटने का जो उपाय है या जो कर्मों में कुशलता है
वही क्या है, योग है। तो कर्मों की कुशलता ही योग है और समत्व में रहना ही योग है। हमें बताइए गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक और 50वें श्लोक में, ठीक है आगे जी सर। बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तम विद्यात दुख संयोग संयोग वियोगम योग सच्चितम सा निश्चयन योग तव्यो योगो निर्वाण चित सा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दुख और सुख दोनों जो है वो जो दुख रूप संसार के संयोग से रहे थे, जो दुख रूप संस्कार के दुख रूप जो है दुख है वो क्या है, संसार के संयोग से अलग है, जिसका नाम योग है ना, उसको जानना चाहिए। ये यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण जी किससे, अर्जुन से। वही योग ना उत्काय हुए और धैर्य और साहस युक्त चित्त वाले निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये कहते हैं सा निश्चयन युक्तव्य योगो निर्वाण चेतसा, मतलब जो जो धैर्य उत्साह युक्त निश्चय पूर्वक करते हैं वो योग को सिद्ध होते हैं। ये भी 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताइए, है ना। जिस योग क्या है यहाँ पर, कि योग ना तो वो दुख के संयोग से जो ऊपर है, मतलब जिसको दुख हानि नहीं पहुंचा सकता उससे ऊपर जो है वो है योग, उसको जानना चाहिए। किस प्रकार से, निश्चय होकर दृढ़ता पूर्वक और उत्साह पूर्वक धैर्य पूर्वक योग को जानना चाहिए। ठीक, समझ गया ये योग की परिभाषा। जी सर, ये वाली परिभाषा समझ गए आप। जी तो सर। आती जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन में आचार्य हरिभद्र जी कहते हैं मोक्ष वेण जो प्रणायो सबो ही धम व्यवहारो जोगो, ये पाली भाषा में है। तो इसका मतलब क्या है, मोक्ष से जुड़ने वाले सभी व्यवहार, मोक्ष से जो भी व्यवहार जोड़ते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कि जो मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार है, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, चाहे वो यम हो नियम हो अहिंसा हो सत्य हो अस्तेय हो, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, योग कहलाते हैं, जो कि मोक्ष से जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ रहा है आप सबको। किससे आ रहा है जी सर, आ रहा है समझ। ओके, और परिभाषा है बौद्ध धर्म में क्या बताया है, कुशल चित्त एकाग्रता योगा, मतलब कुशल चित्त की एकाग्रता, चित्त की जो कुशल एकाग्रता है उसको ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। किसके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार। रंगे राघव ने कहा है शिव और शक्ति का मिलन ही योग है ना। ये पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर कुछ भी लिखा रहता है लेकिन आपको टू द पॉइंट रेफरेंस वाइज पता होना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन यदि किसी ने कहा है तो वो किसने कहा है, रंगे राघव जी ने। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए, ये सब शिव शक्ति का मिलन योग है, यह परिभाषा किसकी है, रंगे राघव की या पर टी कृष्णाचार्य की या विवेकानंद जी की या पर गायत्री परिवार के पंडित श्री रामसर महाचार्य जी की, तो किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए। वैशिष्ट दर्शन में परिभाषा आती है आगे, तदनारंभ आत्मस्य मनसि शरीरस दुख भाव संयोग, मतलब शरीर का आत्मा में स्थिर होने पर शरीर के दुख का अभाव, दुख का अभाव का अनारंभ, मतलब दुख का दुख के अभाव का आरंभ हो जाना है ना। शरीर मन का आत्मा में जब स्थिर हो जाए तो शरीर के जो दुख है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, दुखों का जो अभाव है, वही क्या है, योग की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। और उसका वो भी है रेफरेंस, है ना,
सिक्स ओब्लिक टू ओब्लिक 16, तो आपको ये पता होना चाहिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ने बताई है, संयोग योग युक्तयो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ये क्या है, योग है। ये बनोवले 44 में बताइए, यही परिभाषा आपने ऊपर भी देखी थी विष्णु पुराण में कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है, योग है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति या याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य जी ने, यहाँ पर विष्णु पुराण में एक और बता दें कि पतंजलि ने, और ए बी सी बी सी सी डी उनमें मिलाने को आ जाए तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, एक और परिभाषा है यहाँ पर कठोपनिषद के अनुसार। कठोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, पांचों ज्ञान इंद्रिय मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना, बुद्धि जो है चेष्टा रहित हो जाए, जिसको कुछ करना ही ना पड़े, है ना, उसको कुछ एफर्ट ना लगाने पड़े, ऐसी चेष्टा रहित हो जाए। पांचों ज्ञान इंद्रिय मन के साथ स्थिर हो जाए, यानी मन का इंद्रियों के साथ स्थिर हो जाए और बुद्धि क्या है, चेष्टा रहित हो जाए, तो जो स्थिति कहलाएगी वो योग कहलाएगी। एक परिभाषा ये है। दूसरी का इंद्रियों की स्थिर धारणा, इंद्रियों की जो जो धारणा है वो स्थिर हो जाए, इंद्रियां जो स्थिर हो जाए, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का उतल पतल ना हो, तो ये क्या है, योग है। कठोपनिषद में बताइए ये परिभाषा। और भी परिभाषा यहाँ पर बताई है वशिष्ठ जी ने, ये योगा वशिष्ठ जो है ना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए योगा वशिष्ठ एक ग्रंथ है, तीसरी हाँ दूसरी यूनिट में ऐसा है, तो उसमें बताई है संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है वो क्या है, योग है। तो ये ऐसे भी आ सकता है योगा वशिष्ठ के अनुसार या वशिष्ठ जी के अनुसार, तो संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है वो क्या है, योग है। ठीक, आगे जो परिभाषा है मोहोपनिषद के अनुसार, ये जो परिभाषा है मोहोपनिषद की, यही क्वेश्चन आया था पिछली बार, क्या पूछा था, मतलब दो जो एग्जाम हुई, एक कैंसिल हुआ और जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें योग की परिभाषा यही पूछी थी, मना प्रसमन उपायो योग इत्य विधीयते, क्या है, तो मन का प्रसमन होना, मन का प्रसमन होना, मन के जो आयाम है, मन के जो विचार है, उनका प्रसमन हो जाना, समन समन हो जाना, है ना, समन समन नाम इंद्रिय बाह्य इंद्रियों निग्रह, तो मन का बाहर इंद्रियों का जो है निग्रह हो जाना, है ना, तो वो क्या है, यह मन का प्रशमन हो जाना, मतलब मन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल ना होना, मन में किसी भी प्रकार के विचारों का ना उठना, मन में पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित हो जाना, ये महोपनिषद के अनुसार है। परिभाषा ये दी थी, इसका रेफरेंस पूछा था कि ये रेफरेंस कितने किसमें है, तो जैसे इसका दिया है ना 5:42 श्लोक में दिया है इसका, तो उसमें चैप्टर पूछा था कि ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा लिखी हुई थी कि मन का प्रशमन होना, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा आगे, तो मन का प्रशमन होना योग की परिभाषा महोपनिषद के अनुसार कौन से चैप्टर की है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन वो किसकी है, फिफ्थ चैप्टर की है। ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। आखिरी परिभाषा है योग सिखो, योग सिखोपनिषद के अनुसार और योग बीज के अनुसार। योग सिखोपनिषद एक प्रकार का योग उपनिषद है जो 8 उपनिषदों में नहीं शामिल है, और योग बीज आपका एक हठ योग टेस्ट है, उसके 83वें श्लोक में, और सिखोपनिषद के फर्स्ट अध्याय के 68 श्लोक में ये परिभाषा बताइए, क्या बताइए, यो अपान प्राण यो रेक्यम, मतलब प्राण और अपान की एकता, जो रेतस सो स्थता, मतलब इसका मतलब है रज और रेतस की एकता, और
योग है, सूर्य चंद्र मतलब सूर्य और चंद्रमा की एकता, और जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मनो मनो। तो इसका मतलब क्या है, योग सकोपनिषद और योग बीज के अनुसार क्या परिभाषा है कि प्राण और पान की एकता, रज और रेतस की एकता, सूर्य और चंद्रमा की एकता और जीवात्मा और परमात्मा की एकता जो क्या है। चार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रज और रेतस सही है, आवाज सर ब्रेक हो रही थी। अच्छा से नहीं आ रही अभी। जी सर, अभी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए फिर से करें भाई स्टार्ट। जी सर, सो तो हमने जो चर्चा करी वो महोपनिषद की, तो आप अभी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है सर, आप जब बोलना ही स्टार्ट करते हैं ना तब ब्रेक होने लगती वॉइस, और ऐसे पूछते हैं तो नॉर्मल रहती है। अच्छा अभी तो आ रही है ना? यस, अभी क्लियर है। तो उसमें हमने जो परिभाषा बताई वो क्या है कि एक तो प्राण और अपान की एकता, रज और रेतस की एकता, और सूर्य और चंद्रमा की एकता। सूर्य चंद्रमा यहाँ पर दो नाड़ियों से है ना, सूर्य स्वर आपका पिंगला स्वर यानी राइट स्वर जो है, चंद्र स्वर आपका ईड़ा स्वर या बाएं स्वर है, उसकी एकता। इसमें क्या होता है, प्राण और अपान की, सॉरी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।